जी, सबसे पहले तो ये फोल्डर को ज़रा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ये बहुत इसका बल्कि मैं एक ही फोल्डर बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी वन डॉट HTML CSS फ्लैक्स बॉक्स क्रैश कोर्स, ठीक है। और ये सारा उठा के मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अलग कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टू डॉट जावा स्क्रिप्ट ES6 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा भैया, अब ये फोल्डर जो है इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सबसे जावा स्क्रिप्ट क्योंकि हम करने जा रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट के लिए सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा इंडेक्स डॉट HTML, सही है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो किसके साथ चलती है, HTML के साथ अटैच होकर चलती है। बगैर HTML के जावा स्क्रिप्ट चलती है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स, वो हम किस में पढ़ेंगे, वो हम HTML के साथ अटैच करके पढ़ेंगे उसको। असल में जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है फ्रंट एंड की जावा स्क्रिप्ट, एक होती है बैक एंड की जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जो फ्रंट एंड वाली होती है उसको हम कहते हैं AMD, उसका टेक्निकल नाम जो है। और जो बैक एंड वाली जावा स्क्रिप्ट है उसको हम कहते हैं कॉमन JS, बल्कि अब उसका एक नया नाम आ गया, नया वर्जन आ गया एक्चुअली उसको, दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूल JS। तो हम जो सबसे नई वाली जावा स्क्रिप्ट है ना वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस क्लास में। अच्छा, तो लेकिन अभी हेलो वर्ल्ड करते हैं पहले। ये मैंने लिख दिया जी बेसिक HTML, इसके ऊपर आकर मैंने हेडिंग भी एक लगा दी। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर अब मैंने लिखना है स्क्रिप्ट का टैग, जैसे हम CSS के लिए लगाते थे ना स्टाइल का टैग, लेकिन वो हम लगाते थे हेड में। इसको हमने लगाना है बॉडी के लास्ट में, जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही है वहाँ पे मैंने इसको लगाना है। अच्छा, स्क्रिप्ट का टैग लिखकर यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कॉन्सोल डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड, ये हो गया जी। ये मेरा हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट हो गया। इसको अब चला के देख लेते हैं। चलाने का तरीका, राइट क्लिक यहाँ पे किया मैंने, कॉपी पाथ, कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे कोई हेलो वर्ल्ड नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, कॉन्सोल पे जाऊँगा, तो यहाँ पे ये मुझे प्रिंट होकर नज़र आ गया, ठीक है जी। तो ये मेरा जावास्क्रिप्ट का जो हेलो वर्ल्ड था वो इस पॉइंट पर क्या हो गया, कम्प्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ और बताता चलूँ मैं कि ये वाला तरीका जो है ना सेम फाइल के अंदर, ये नॉट रिकमेंडेड है। जैसे CSS में हम सेम फाइल में कर रहे होते थे बट वो नॉट रिकमेंडेड था, इसमें भी ये नॉट रिकमेंडेड है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर दूँगा सारे को और मैं एक अलग से फाइल बना लूँगा, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट डॉट MJS, ठीक है। MJS वाली हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे जो सबसे न्यू है। अच्छा, और यहाँ पे आके मैं वही कॉन्सोल डॉट लॉग यहाँ लिख दूंगा, अब मैं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम MJS फाइल, सही है, सेव। अच्छा, अब इस फाइल को भी मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि कौन सी फाइल है, तो जैसे हम CSS में भी बताते थे ना, तो इसमें क्या करूँगा मैं स्क्रिप्ट दोबारा लिखूँगा और स्क्रिप्ट के अंदर एट्रीब्यूट लगाऊँगा मैं एक, आके SRC एट्रीब्यूट लगाऊँगा डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट MJS। ये मैंने क्या कर दिया, इस स्क्रिप्ट को इस फाइल के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पर आता हूँ मैं, रिफ़्रेश करता हूँ, सेम रिज़ल्ट मुझे मिलेगा इस तरह से भी, ठीक है। ये तरीका जो है वो रेकमेंडेड है अलग से फाइल बनाने वाला, ठीक है। अलग से फाइल बनाने वाला ये तरीका जो है ये क्या है, रेकमेंडेड तरीका है। अच्छा, इसमें सब लोगों को समझ आ गया जो मैंने बात बताई है, कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें, अदरवाइज़ आप ये अभी यहाँ पे बैठ के करेंगे कंप्लीट, सही है। इतना पहले आप करके मुझे दिखाएंगे या आप कंफर्मेशन देंगे कि जी इतना मेरे से हो गया है, फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। अच्छा, ये कोड मैं क्या कर रहा हूँ, गिट हब के ऊपर पुश कर रहा हूँ, ठीक है। गिटहब डॉट कॉम पर इसको मैंने पुश कर दिया। कौन सी रिपॉजिटरी है, रिपॉजिटरीज में गया मैं और ये सेक्शन सी के नाम से जो है ये आपकी रिपॉजिटरी है। ये सेक्शन सी में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखें वही फोल्डर जो मैंने अभी अभी भेजा है वहाँ से, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इंडेक्स डॉट HTML और स्क्रिप्ट डॉट MJS। तो आपने इसको देखते हुए, इसके अंदर जो मैंने कोड लिखा है इसको देखते हुए आपने इतना काम अभी करना है यहाँ पर, उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई आपको करवाता हूँ, ठीक है, हो जाएगा सब लोगों से। अच्छा, नई रिपॉजिटरी, यस नई रिपॉजिटरी। हाँ, नहीं कोई भी रखते हैं, जावास्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड रखते हैं।
मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम है। अच्छा कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको जावास्क्रिप्ट पहले से आती है? थोड़ी बहुत, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः लोगों को आती है जावास्क्रिप्ट पहले से। चलो अच्छी बात है यार। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहली दफ़ा उन्होंने ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है, पहली मर्तबा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? ठीक है जी, सही है। तकरीबन हमारे पास 60-40 का ये रेशो है कि 60% यहाँ पे बिल्कुल बिगनर हैं और 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट पहले से पढ़ी हुई है।